नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं और आपको YouTube पर ही लेकर चलते हैं। और दोस्तों बताते हैं कैसे आप यहाँ पर जो है, आपने देखा होगा जब भी आप YouTube चलाते हैं तो बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो आपको हर दिन का डेटा यूसेज के लिए डेटा मिलता है, वो YouTube पर ही सबसे ज़्यादा जल्दी जो है ख़त्म होता है। कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं दोस्तों जो आपको इस वीडियो को देख कर लेनी चाहिए, जिसकी मदद से जो है आपका YouTube पर अपना काम भी हो जाएगा और डेटा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है जहाँ से हम लॉगिन करते हैं, हमारी आईडी यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग्स लिखा हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको कुछ जनरल ऑप्शंस हैं, डेटा सेविंग्स हैं। और पहले मैं आपको डेटा सेविंग पर ले चलता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, डेटा सेविंग मोड मैंने बंद कर रखा है क्योंकि हम लोग वाईफाई वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली एडजस्ट सेटिंग टू सेव मोबाइल डेटा। आप जैसे ही इसको इनेबल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट करता है आपके मोबाइल डेटा को। इसके बाद जो है दोस्तों, आप वीडियो क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो है आपकी वीडियो हाई डेफिनेशन पर जितना चलेगी तो डेटा ज़्यादा खर्च होगा, तो ऐसा ना हो। डाउनलोड क्वालिटी को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप वाईफाई पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सारे डाउनलोड्स को, जितने भी आप अपलोड करना चाहते हैं ये भी आप वाईफाई पे कर सकते हैं दोस्तों। तो इस डेटा सेविंग के ऑप्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर लीजिए, ताकि आपको आपका डेटा जो है जल्दी जल्दी खर्च ना हो। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ जो ऑप्शन है बैकग्राउंड एंड डाउनलोड्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है स्मार्ट डाउनलोड और प्लेबैक। आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसा आप पीछे देख रहे थे, जब वीडियो जो है आप चलाते हैं और वीडियो YouTube पर जैसे ही आते हैं और YouTube में सारे वीडियोस ऑन हो जाते हैं, तो आप प्लेबैक को ऑफ़ कर सकते हैं। स्मार्ट डाउनलोड को भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। वाईफाई और ये सभी आप इनको जो है बंद करके रख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो है डेटा बचा रहे। जब डाउनलोड क्वालिटी पूछी जाए तो आप यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट ना करके आस्क ईच टाइम कर दें, ताकि आप गलती से भूल भी कभी कभी हम भूल जाते हैं और फुल HD में सारे वीडियोस डाउनलोड हो जाते हैं और हमारा डेटा ख़त्म हो जाता है। तो आप ऑप्शन लगा के रखिए आस्क ईच टाइम, जितनी बार ये पूछेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड के लिए, तो आप जो भी क्वालिटी को सिलेक्ट करेंगे, ये उस क्वालिटी में ही जो है दोस्तों डाउनलोड होने वाला है। तो दोस्तों ये था YouTube से रिलेटेड, और YouTube जो है आपको काफ़ी सारी ऐसी सेटिंग्स देता है जिनकी मदद से आप जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप वीडियो क्वालिटी जो प्रेफरेंस आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी वही सेम कहानी है। वीडियो क्वालिटी में आप देखिए ऑन मोबाइल नेटवर्क पर आप क्या चाहते हैं, वाईफाई पे आप क्या चाहते हैं, ये दो तरीके के ऑप्शन आपको देता है। आप डेटा सेवर को ऑन रखिए मोबाइल नेटवर्क में, जब भी आप अपने नेटवर्क से डेटा से YouTube चला रहे हैं तो हायर क्वालिटी और ऑटो रिकमेंडेड ना करके आप डेटा सेवर करिए। और जब आप वीडियो क्वालिटी वाईफाई पे आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वाईफाई होगा तो अनलिमिटेड होगा, और आप जब भी यूज़ करेंगे तो आप ऑटो रिकमेंडेड कीजिए, एडजस्ट कीजिए उसको, और जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप जो है यहाँ पर दोस्तों उसको कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये तो हुआ हमारा YouTube से रिलेटेड एक्सपीरियंस। अब हम चलते हैं हमारे क्रोम पर, और क्रोम पर चलने के बाद जो हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे दोस्तों, आपको चलना है, ये देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे ये जो जितनी सारी न्यूज़ आ रही हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डेटा बैकग्राउंड में आपका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये जो है अपडेट होती रहती हैं, रिफ़्रेश होती रहती हैं। इसको भी जो है दोस्तों आप बंद कर सकते हैं, इन सारे फीड्स को, न्यूज़ को। आपको ये जो डिस्कवर के सामने आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए, और टर्न ऑफ़ जो आपको दिख रहा है आप यहाँ पर टर्न ऑफ़ कर देंगे दोस्तों। तो अब यहाँ नीचे जो है कोई भी आपको न्यूज़ या हेडिंग्स या हेडलाइंस कुछ नहीं दिखने वाला है, जो कि आपका रेगुलर डेटा लेती रहती हैं, वो अब बंद हो गया है। आप यहाँ सेटिंग्स में जाके इसको ऑन भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो आप इसको ऑन कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ यहाँ जो और सेटिंग्स के ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ये भी आप रेंडमली चेक कर सकते हैं कि आपका इंजन, सर्च इंजन, नोटिफिकेशन, डाउनलोड्स में आप देख सकते हैं, ये आपको सारी चीज़ें दिखा देगा।
तो जो आज दोस्तों हमने सेटिंग बताई, ये दोनों सेटिंग्स YouTube में और Google Chrome में आप करके रखिए। जाहिर सी बात है आपका डेटा बहुत ज़्यादा बचना शुरू हो जाएगा, एकदम से आपका डेटा ख़त्म भी नहीं होगा, आपका काम भी होता रहेगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।